पाकिस्तानियों ने दूसरे मुल्कों में किस्मत अजमाई के लिए दौड़े लगानी शुरू कर दी है। इन दिनों पाकिस्तानियों में पासपोर्ट बनवाने का रुझान कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पासपोर्ट बनवाने वालों की बड़ी तादाद को ना तो किसी मुल्क से नौकरी की ऑफर होती है और ना ही इन्होंने विजिट के लिए कहीं जाना होता है, लेकिन इसके बावजूद वो पासपोर्ट बनवाना अपना फर्ज समझते हैं। मुल्क के किसी भी नागरा सेंटर चले जाएं, वहां आपको पासपोर्ट बनवाने वालों की लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें बेशतर कभी बैरून मुल्क जाते ही नहीं, बल्कि सिर्फ ये पासपोर्ट बनवा कर अपने पास रख लेते हैं। आखिर ये रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? अगर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बाहर जाती नहीं तो शहरी आखिर पासपोर्ट क्यों बनवाते हैं? माहिरीन का कहना है कि इसकी बड़ी वजह मुल्क की मुआशी हालत है। बेशतर पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से बाहर चले जाए ताकि वहाँ से डॉलर पाउंड कमाकर ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की भी जिंदगी आसान कर सके, लेकिन बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की पूरी नहीं होती। गुज़िश्ता साल 2021 में जारी होने वाले पाकिस्तान के सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद मशरक वस्ता में है और इनमें भी बड़ी तादाद सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात में रहती है। 2017 और 18 के अदादो शुमार के मुताबिक मशरक वस्ता में तकरीबन 48 लाख के करीब पाकिस्तानी रह रहे हैं, जबकि यूरोप में 21 लाख से ज्यादा, जबकि शमाली अमेरिका में ये तादाद 13.5 लाख से ज्यादा है। 3 लाख के करीब अफ्रीका और 2 लाख से जरा ज्यादा एशिया और मशरक बाहर और 1 लाख से कुछ ऊपर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में 10,26,600 से जायद अफराद मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 5,70,000 सऊदी अरब गए। माजी में वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की जानिब से फराहम किए गए अदादो शुमार के मुताबिक पीटीआई हुकूमत के गुज़िश्ता 3 सालों में बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के साथ रजिस्टर्ड होने वाले पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा तादाद सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात जाने वालों की थी। फहरिस्त के मुताबिक 5,70,000 अफराद सऊदी अरब मुलाजमत के लिए रवाना हुए, 2,71,700 पाकिस्तानी यूएई, जबकि तीसरे नंबर पर ओमान के लिए 61,400 पाकिस्तानी रवाना हुए। अपनी एक ट्वीट में अदादो शुमार शेयर करते हुए फवाद चौधरी ने बताया था कि कोरोना के बावजूद 3 सालों में 11 लाख पाकिस्तानियों को सिर्फ बैरून ममालिक में नौकरी मिली है। अगले 2 सालों में पूरी उम्मीद है 20 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाएंगे। गुज़िश्ता 3 सालों में 53,600 पाकिस्तानी कतर जाने के लिए रजिस्टर्ड हुए, जबकि 25,000 बहरीन, 13,000 मलेशिया, 5,000 इराक, 2,600 यूनान और 2,400 इंग्लैंड मुलाजमत के लिए रजिस्टर्ड हुए। फहरिस्त में चीन का 10वां नंबर है, जहां मुलाजमत के लिए 1,943 अफराद रजिस्टर्ड हुए, जबकि पहले 7 खलीजी और एशियाई ममालिक है जहां जाने के लिए पाकिस्तानियों ने रजिस्टर्ड किया। इस वक्त पूरी दुनिया में 70 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क मुकीम है। इस लिहाज से पाकिस्तान 7वां बड़ा मुल्क है जिसके शहरी रोजगार और तालीम के सिलसिले में पूरी दुनिया में मौजूद है। ज्यादातर पाकिस्तानी खलीजी ममालिक बरतानिया और अमेरिका में मौजूद है। 1990 में 34 लाख, जबकि 2005 के इख्तिताम तक 39 लाख पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क आबाद थे, लेकिन 2007 के बाद पाकिस्तानी शहरियों में दूसरे ममालिक का रुख करने के रुझान में नुमाया इजाफा हुआ। जबकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत का पहला नंबर है। अक्वामे मुत्तहदा के अदादो शुमार के मुताबिक रवां बरस के आगाज तक करीब 1,80,00,000 भारतीय शहरी, ज्यादातर भारतीय तारकीन वतन अमरीका, कैनेडा, बरतानिया और खलीजी ममालिक में है। 2000 में बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरियों की तादाद 8 मिलियन थी और वो आलमी सतह पर इस हवाले से 3रे नंबर पर थे। अक़वामे मुत्तहदा के मुताबिक 2020 तक मुहाजरत इख्तियार करने वाले इंसानों की तादाद 272 मिलियन हो चुकी है।